वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरे इस वीडियो होने वाला है एक फॉलो अप वीडियो मेरे पुराने वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में किस तरह से यूट्यूब चला सकते हैं। लेकिन वो जो तरीका था उसके अंदर आप यूट्यूब अगर चलाते हैं तो उसके अंदर आपको जो है गाड़ी खड़ी होनी चाहिए और पार्किंग मोड में होनी चाहिए, तभी यूट्यूब चलता, अदरवाइज यूट्यूब नहीं चलेगा चलती गाड़ी में। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप यूट्यूब चला पाएंगे और आप गाड़ी भी साथ साथ चला सकते हैं, यानी कि चलती गाड़ी में आप YouTube चला सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूं, अगर आप गाड़ी में YouTube चलाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप Android यूजर हो। अगर आप Android ऑटो यूज करते हैं तभी आप इस चीज को कर पाएंगे, अदरवाइज अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉलो करने हैं जिससे कि आप अपनी गाड़ी में वीडियो चला सकते हैं। तो गाइज, इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप आपको करना है, उसके लिए आपको ओपन करना है अपना ब्राउजर। तो ओपन कर लेते हैं ब्राउजर एक बारी। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इसमें सर्च मारना है AA स्टोर APK, या आ गया AA स्टोर APK। इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये एंड्रॉयड ऑटो स्टोर है और ये आपको बाहर से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप प्ले स्टोर पे इसको सर्च करेंगे तो वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा ये। ये आ गया डाउनलोड का ऑप्शन, अब इसको डाउनलोड करेंगे यहां से। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, ओपन यहां से इंस्टॉल करेंगे। और ओपन कर लेंगे। अभी हमारा एंड्रॉयड ऑटो स्टोर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इसके बाद मैंने कार ट्यूब इंस्टॉल किया था जिससे कि मैं पार्क्ड गाड़ी के अंदर गाड़ी कोई भी वीडियो चला सकता हूँ। लेकिन अगर गाड़ी चल रही होगी तो फिर आप कार ट्यूब को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब आपको मैं एक नई चीज बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप चलती गाड़ी में भी YouTube देख सकते हैं। तो अब हमें इंस्टॉल करना है AA मिरर प्लस। तो बेसिकली ये ऐप जो है ये आपके फोन को मिरर कर देती है आपके म्यूजिक सिस्टम के अंदर, जिससे कि आप कुछ भी चीज अगर फोन में करेंगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम में नजर आएगी। कुछ सेटिंग्स चेंज करने के लिए बोलेगा, यहाँ से परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी AA स्टोर को। और ये AA मिरर प्लस इंस्टॉल हो गया हमारा, तो एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो कार के म्यूजिक सिस्टम पे आने के बाद एंड्रॉयड ऑटो पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम मेन स्क्रीन पे जाते हैं जहाँ पर सारी एप्स हमें दिखती हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है AA मिरर प्लस, इस पे क्लिक करते हैं। तो इस पे क्लिक करने के बाद अब मेरा फोन जो है, तो बेसिकली इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक परमिशन के लिए एक पॉपअप आएगा आपके फोन में, उसको आपको अलाउ करना है। उसको अलाउ करने के बाद आप अपने फोन को अपने म्यूजिक सिस्टम पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा वो ये यहाँ पे नजर आएगा। अब एक वीडियो प्ले करते हैं इसके अंदर। तो मैं वीडियो सर्च कर लेता हूँ, अपनी कोई सी वीडियो सर्च कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं वीडियो प्ले हो गई है। और इसके कंट्रोल्स आपको सारे फोन से ही करने होंगे। आप इसके अगर कंट्रोल्स सोचेंगे अगर आप म्यूजिक सिस्टम से कर सकते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेसिकली ये आपके फोन की स्क्रीन को ये मिरर कर रही है आपके म्यूजिक सिस्टम पे। तो आपको सारे कंट्रोल्स जो है वो फोन से ही करने पड़ेंगे। तो अब ये वीडियो चल रही है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी गाड़ी खड़ी हुई है। लेकिन अब मैं आपको गाड़ी चला करके दिखाऊंगा कि चलती गाड़ी के अंदर भी ये वीडियो चलती है नहीं। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और हैंड ब्रेक भी हटा दिए और वीडियो अभी भी हमारी चल रही है। तो अब गाड़ी चलाते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है और साथ के साथ यहाँ पे वीडियो भी प्ले है।
बेसिकली अब आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है कि आप चलती गाड़ी में यूट्यूब किस तरीके से देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ऐप है, आप इसके थ्रू जा करके अपनी गाड़ी में यूट्यूब चला सकते हैं, या उसके अलावा कोई भी व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी अगर आप चलती गाड़ी में देखना चाहते हैं तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से थी मेरी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से यूट्यूब प्ले कर सकते हैं वाइल्ड ड्राइविंग। और मैं आपको पर्सनली, अगर आप मेरी बात करें, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ड्राइव करते करते यूट्यूब देखें, क्योंकि उससे थोड़ा आपका ध्यान जो है वो भटक सकता है। लेकिन अगर आपके साथ में बच्चे हैं, आपकी फैमिली है और कोई वीडियो देखना चाहता है, तो आप इस फीचर को इस्तेमाल करके आप चलती गाड़ी के अंदर भी यूट्यूब चला सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। कुछ और ऑप्शंस आते हैं इसके, एंड्रॉयड बॉक्स वगैरह आते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑप्शन मिल रहा है आपको यूट्यूब चलाने का। और अगर आपको वीडियो से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है वाइल मेकिंग दिस सेटिंग्स, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।